অন্তঃস্থলীয় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল সেমিনার আয়োজিত করা হলো কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা ব্যারাকপুরের তরফে। কেনাবেচা এখন আপনার শহরে সমস্ত দৈনন্দিন জিনিস এখন ঘরে বসেই পেয়ে যান, তাহলে আর দেরি কেন? এখনই অর্ডার করুন kenabecha.in-এ। ভারতবর্ষ মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বের অন্যতম বড় অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে একটি, কিন্তু এখানে বহু মানুষই ছোট ছোট জলাশয়ে মৎস্য চাষ করেন, কিন্তু গোটা বিষয়টি সংগঠিত না হওয়ায় বহু ক্ষেত্রেই তেমন লাভের মুখ দেখতে পারেন না মৎস্যচাষিরা। সেই কারণে মাছের উৎপাদন আরও বাড়াতে এবং আরও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার কিভাবে করা যায় সেই বিষয় নিয়ে আজ অন্তর্দেশীয় কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা ব্যারাকপুরের তরফে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করা হলো সংস্থার ব্যারাকপুর সদর দপ্তরে। ব্যারাকপুর কার্যালয় থেকে এই আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন ডক্টর জে কে জানা, ডক্টর দিলীপ কুমার, ডক্টর সুগু নানা, সংস্থার অধিকর্তা ডক্টর বসন্ত কুমার দাসের পাশাপাশি আটটি দেশের প্রতিনিধিরা। এই আলোচনা সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে ছিল নেদারল্যান্ড, কানাডা, মালয়েশিয়া, রোম, বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভারতবর্ষের মৎস্য গবেষকরা। এই আলোচনা সভার আলোচনা বিষয় হিসাবে ছিল ভারতবর্ষ, নেপাল, বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ এই মুহূর্তে ছোট জলাশয়ে কেমনভাবে মৎস্যচাষ চলছে সেই বিষয় নিয়ে মূলত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও আমাদের লক্ষ্য রয়েছে আগামী 5 বছরে এই মুহূর্তে যে উৎপাদন আছে তা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা যায় তা নিয়েই আলোচনা সভায় আলোচনা করা হয়েছে বলে জানান কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ব্যারাকপুরের অধিকর্তা ডক্টর বসন্ত কুমার দাস। স্মল স্কেল ফিশারিজ মিন্স আমরা যে নদী কি ক্ষুদ্র জলাশয় कि जो हमारा वेटलैंड है उसी में जो मछली लोग कैच कर रहे हैं उसी के बारे में, वो जो हमारा जो 14 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन है उसमें लगातार 1 मिलियन मेट्रिक टन से ज़्यादा ये जो इनलैंड ओपन वाटर से मिलता है, जिसमें मछुआरा की लोग वो जो मछली पकड़ते हैं उसको खाना खा लेते हैं, बेचते नहीं, अपना जो जीविका जीवन जीविका निर्वाह में उपयोग करते हैं, उसके बारे में आज का सेमिनार होता है। इसी में हमको दिखाना है हमारा देश में इतना जल राशि है ओपन वाटर रिसोर्स से जिसमें मछली का उत्पादन संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओवर द इयर्स हमारा जो उसमें जो मछली उत्पादन कम हो रहा है उसको कैसे स्वावलंबी करना जा सकता है और देश को आगे बढ़ा ले जा सकते हैं और मछुआरे को उनका रोजी रोटी मिल सकता है, इसके बारे में ये कार्यशाला हम लोग इंटरनेशनल वेबिनार कर रहे हैं जिसमें हम लोग 7-8 कंट्री से पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, नेदरलैंड से, कनाडा से, मलेशिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से और हमारा इंडिया से और कंट्री 7 कंट्री को पार्टिसिपेशन से ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंडो बांग्लादेश नेपाल में ये क्या चल रहा है और जैसे वर्ल्ड फिश का हमारे साथ जो प्रोग्राम चल रहा है स्मॉल स्केल फिशरी जहाँ बेलडंगा वेटलैंड में हम कर रहे हैं उसी को कैसे बेनिफिट हो सकता है, और तीसरा है हम लोग जैसे नेदरलैंड की कनाडा के साथ हम वल्नरेबिलिटी टू वायबिलिटी प्रोग्राम कर रहे हैं उसी में कैसे ये बेनिफिट हो सकता है, ये वर्कशॉप में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये वेबिनार हो रहा है ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म में जिसमें इतना देश से लोग पार्टिसिपेट यूट्यूब में भी देख सकते हैं। सर कितना अभी तक उत्पादन है और कितना करने का लक्ष्य? ये छिद्र जल राशि आप जो ओपन वाटर में आप देख रहे हैं हम लोग 1 मिलियन मीटर से थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसमें ग्रेजुअली इसमें प्रोडक्शन घट रहा है क्योंकि जुवेनाइल फिशिंग ये हो रहा है, उसमें फिशरमैन सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, जुवेनाइल फिशरी जो छोटा छोटा मछली को उनका वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, ये जो न्यूट्रिशनल बैलेंस ज़्यादा होगा जैसे हमारा जैसे आप देखेंगे 15 मिलियन फिशर्स जिसमें डिपेंडेंट हो रहे हैं जैसे गंगा में ये में सब नदियों में जो कैच कर रहे हैं उसी को उपलब्धि होगा उनका जो रोजी रोटी में, हम सोच रहे हैं इसी को तो इतना जल्दी हम बढ़ा नहीं सकते हैं रातें राती, आहिस्ते आहिस्ते उनको हम दोगुनी कर सकते हैं, अगला 4-5 साल में इसको कैसे दोगुना कर सकते हैं, तो जैसा उनका आय जैसे अभी 5-6 हज़ार गंगा में हम देखे हैं, 7 हज़ार एक फिशरमैन को 7 हज़ार
आय मिलता है वो बहुत कम है, उसको कैसे 10,000 कि 12,000 ऐसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और उनको अवेयरनेस करा सकते हैं छोटा मछली नहीं पकड़ेंगे। जैसे हिल्सा फिशरी, अभी बांग्लादेश का प्रेजेंटेशन चल रहा था, हिल्सा फिशरी उनका 12% GDP हो रहा है। हम गंगा में हिल्सा मछली का रेस्टोरेशन करने के लिए हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, इसी में ऐसे बढ़ाएंगे जो कुछ कुछ को हम सोचेंगे तो ये हम कर सकते हैं, तो इसीलिए ये शुरू बात है। Mm-hmm. I'll tell you.